नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्रत और उपवास में अक्सर सभी के सामने फूड की लिमिटेड वैरायटी की प्रॉब्लम आती है, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं व्रत में खाई जा सकने वाली फलाहारी अरबी पैटीज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम अरबी उबाल कर छीली हुई, आधा कटोरी राजगिरी का आटा, आधा कटोरी कुट्टू का आटा, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच हरा धनिया छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1/4 चम्मच साबुत जीरा, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 50 ग्राम सफेद तिल, पैटीज तलने के लिए तेल और स्वाद के लिए सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर। फलाहारी अरबी पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले अरबी छील कर मैश कर लीजिए। अब तेल और तिल को छोड़कर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर आलू की टिकिया की तरह इसकी गोल गोल टिकिया बनाइए। इन्हें तिल पर इस तरह लपेट लीजिए। बस अब गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए। और किसी भी फलाहारी चटनी या फलाहारी सॉस के साथ गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। दोस्तों, ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपीज हिंदी में देखते रहने के लिए आज ही जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।